आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू, आप देख रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी के वीडियो सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग के बारे में, प्रत्यागामी पंप का स्लीप या प्रत्यागामी पंप में फिसलन। ठीक है, तो स्लीप या फिसलन क्या होता है? ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो तरीके से हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, एक सिंगल स्टेज पंप होता है और एक होता है डबल स्टेज पंप, डबल एक्टिंग पंप और सिंगल एक्टिंग पंप होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने डिस्चार्ज भी देखा हुआ था कि उससे डिस्चार्ज कैसे होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है ना, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज थ्रू सिंगल एक्टिंग पाइप। तो फॉर्मूला जो यूज़ करके हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू ए एल एन अपान 60 और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में डिस्चार्ज है। ठीक है, तो ये सिंगल एक्टिंग के लिए है डिस्चार्ज, या कितना विसर्जन हो रहा है प्रति सेकेंड उससे। ठीक है, वैसे ही डबल एक्टिंग के लिए ये जो डिस्चार्ज है क्यू इज इक्वल टू 2 ALN/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिस्टन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, यहाँ से सक्शन हो रहा है और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज कितना हो रहा है प्रति सेकेंड, कितना पानी बाहर आ रहा है, ये होता है डिस्चार्ज, है ना। तो फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं और ये जो डिस्चार्ज हमें प्राप्त होता है ये क्या है, सैद्धांतिक डिस्चार्ज है, सैद्धांतिक विसर्जन है, एक थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज़ करके हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करके जो डिस्चार्ज हमने कैलकुलेट किया है उतना ही डिस्चार्ज नहीं होता है, इससे कम या ज़्यादा डिस्चार्ज भी हो सकता है ना। ज़्यादातर केस में डिस्चार्ज जो क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्चार्ज यहाँ से होता है वो क्या होता है, कम होता है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल लिंक है जहाँ से आपका लीकेज होता है ना, फ्लूइड का लीकेज होने के कारण जितना डिस्चार्ज होना चाहिए उतना डिस्चार्ज नहीं हो पाता है और डिस्चार्ज में कमी आती है। तो जो डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग एक्चुअल डिस्चार्ज कहते हैं, वास्तविक विसर्जन कहते हैं। ठीक है, तो स्लीप क्या होता है, है ना, जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है, सैद्धांतिक डिस्चार्ज है और एक्चुअल डिस्चार्ज है, उसके डिफरेंस को, अंतर को स्लीप कहा जाता है ना। तो स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या हो जाएगा, या फिसलन ऑफ प्रत्यागामी पंप का फिसलन क्या होगा, यह थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के अंतर के बराबर होता है, या सैद्धांतिक विसर्जन और वास्तविक विसर्जन के अंतर को फिसलन कहा जाता है, स्लीप कहा जाता है। ठीक है, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है, एक्चुअल कितना था, है ना, और थ्योरेटिकल कितना है, उसके डिफरेंस में ये आपका स्लीप होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस को शो करता है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को। ठीक है, इसी में आगे हम डिस्कस करते हैं जो स्लीप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में, उसको एक परसेंट के फॉर्म में हम लोग शो करते हैं या लिखा जाता है। तो परसेंट स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होगा, है ना, या किसका किसका अनुपात है, देखिए परसेंट स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप किसका अनुपात है ना, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के अंतर और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के अनुपात को परसेंटेज स्लीप कहा जाता है। और इसको परसेंट में लिखे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल क्या है ना, ये स्लीप का वैल्यू है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, किसी पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप का परसेंटेज स्लीप किसका किसका अनुपात होता है, स्लीप और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के अनुपात को परसेंटेज स्लीप कहा जाता है ना। इसको परसेंट, या इसी इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 - Q actual / Q theoretical × 100 होगा। अब ये Q actual और Q theoretical क्या है, है ना, विसर्जन गुणांक है, कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है CD, तो ये इसके जगह में हम CD भी रख सकते हैं। तो ये परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 - CD × 100। CD क्या है, यहाँ पे विसर्जन गुणांक या कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। ठीक है, तो ये जो स्लीप होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं निगेटिव स्लीप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप,
है ना, नकारात्मक फिसलन या नकारात्मक स्लिप प्रत्यागामी पंप में क्या होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्रत्यागामी पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप क्या होता है, या थ्योरेटिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज के अंतर को के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या हो जाए, एक्चुअल डिस्चार्ज से अधिक हो जाए, है ना, थ्योरेटिकल या वास्तविक विसर्जन, सॉरी सैद्धांतिक विसर्जन वास्तविक विसर्जन से अधिक हो जाए, तो क्या होगा, ये स्लिप का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, है ना। तो ये इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं निगेटिव स्लिप, है ना। जब यह स्लिप का मान क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो इसको नकारात्मक फिसलन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप से वास्तविक डिस्चार्ज जो हो रहा है वो कम है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से, तो ऐसा स्थिति कब आएगा, है ना। किसी भी रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा स्थिति कब आता है, जब डिलीवरी पाइप क्या हो, छोटा हो, है ना, जो डिलीवरी पाइप है वो लंबाई में कम हो, छोटी पाइप हो, सक्शन पाइप लंबी हो, है ना, सक्शन चूसन नली क्या हो, लंबी हो। इसके अलावा पंप जो है वो क्या हो, हाई स्पीड से रनिंग कर रहा हो। जब ये तीनों कंडीशन होती है, छोटी डिलीवरी पाइप हो, सक्शन पाइप बड़ी हो, और पंप जो है अधिक स्पीड से चल रही हो, तभी क्या होगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज अधिक होता है, तभी निगेटिव स्लिप हमें प्राप्त होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ठीक है, तो ये पूरा स्लिप का कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। ठीक है, आगे इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कैविटेशन इन रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में, प्रत्यागामी पंप में कोटरन के बारे में। इसके पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी हमने कैविटेशन के बारे में डिस्कस किया था, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। कैविटेशन जो होता है वो किस वजह से होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैविटेशन क्या होता है, है ना, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना, यहाँ पे पंप जब आईडीसी से ओडीसी की ओर बढ़ता है तब क्या होता है, इसमें वैक्यूम प्रेशर यहाँ पे होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाता है सिलेंडर के अंदर। तो ये जब प्रेशर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए, यहाँ पे जो प्रेशर हो रहा है सक्शन क्रिया के तहत, यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और ये प्रेशर बहुत ही कम हो जाए, वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर बबल फॉर्म होता है, वाटर के बुलबुले बनते हैं। ठीक है, अब यही बुलबुले लो प्रेशर में बनता है, और लो प्रेशर से वो धीरे धीरे क्या होता है, हाई प्रेशर की ओर बढ़ने लगता है। तो हाई प्रेशर में जाने से वो बुलबुले क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो भी सिलेंडर है ना, या पिस्टन है, उसके पार्ट या सरफेस पे क्या होता है, एक धक्का लगता है, फोर्स अप्लाई होता है बबल के फटने के कारण। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को या इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं कैविटेशन, है ना। तो कैविटेशन क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिलेंडर के अंदर वेपर प्रेशर से कम प्रेशर होने के कारण बबल का निर्माण होता है, बबल बनता है, और बबल के फटने के कारण सरफेस में क्या होता है, इसमें इफेक्ट आता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटेशन। कैविटेशन मतलब बबल का फॉर्मेशन होना सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ये फटने के कारण क्या होता है सिलेंडर में, यहाँ पे जो मेटल से बना हुआ है सिलेंडर पिस्टन, इसमें क्या होगा, इरोजन होगा, घिसाव आएगा, पिटिंग फेलवर होगा, मतलब यहाँ पे निशान पड़ जाएंगे फटने के कारण, बल लगते उसे, इसके कारण यहाँ पे फटने की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन होता है ना, ये पंप में वाइब्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे नॉइस शोर सर आवाज़ आएगी पंप में, तो ये पूरा इसमें प्रभाव इसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये कैविटेशन क्यों होता है, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैविटेशन होने के बहुत सारे कारण हैं। पहली कारण तो ये है कि फ्लूइड यहाँ से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो फ्लूइड, तो इसके कारण कैविटेशन फॉर्म होता है। अगर ये पंप की स्पीड अधिक हो, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, कैविटेशन फॉर्म होता है, या बबल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं, इसके अलावा और भी बहुत कारण हैं। इसको दूर करने का तरीका यही है कि हम लो स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे पंप को चलाएं, है ना, जो वाटर या फ्लूइड का टेम्परेचर है उसको कम रखें, तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप में, प्रत्यागामी पंप में तरल का पृथक्करण के बारे में। अब सेपरेशन ऑफ लिक्विड का मतलब क्या होता है? कोई भी पाइप में जब फ्लो हो रहा है फ्लूइड या लिक्विड, तो अचानक से बहाव में क्या हो जाता है, अलगाव होता है, बहाव टूट जाता है, बीच में गैप आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसके पहले हमने डिस्कस किया कैविटेशन के बारे में, कोटरन के बारे में। मैंने कोटरन क्यों होता है, जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो कैविटेशन वहाँ पे होता है ना। इसी कैविटेशन के कारण या कोटरन के कारण क्या होता है, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप में जो बहाव है लिक्विड का वो टूट जाता है ना। तो ये बहाव टूटने का जो कारण है या डिसकंटिन्यूस फ्लो जो होता है लिक्विड का, इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ फ्लूइड या सेपरेशन ऑफ लिक्विड, तरल का पृथक्करण। ठीक है, तो कैविटेशन के कारण सक्शन पाइप डिलीवरी पाइप में जो लगातार प्रवाह है फ्लूइड का वो टूट जाता है, डिसकंटिन्यूस फ्लो हमें प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को ही या इस फिनोमिना को ही हम सेपरेशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। इस तरीके की जो क्रिया है सेपरेशन ऑफ फ्लूइड, वो सक्शन स्ट्रोक के आरंभ में और डिलीवरी स्ट्रोक के अंतिम में ये इस तरीके की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप कि आज में जितने भी पैरामीटर्स मैंने रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बताए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।